सुशांत सिंह राजपूत केस में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय कब आएगा, कब जो है पता चलेगा कि सुशांत केस में क्या हुआ, इसको लेकर सभी लोग काफी परेशान हैं और लगातार जो है इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि आखिर सुप्रीम कोर्ट कब बताएगा। तो इस बात को लेकर जो है कुछ टेक्निकल चीजें हैं जो इशकरण ने क्लियर की कि इस पूरे केस में जो है क्या होगा, कैसे आएगा, कैसे जजमेंट आएगा, इस बात को लेकर उन्होंने खुद लाइव आकर फैंस को बताया। तो क्या कहना है इशकरण का, मैं हीना कुमावत फिल्म इंडो आपको बताऊंगी। हियरिंग होने के बाद उन्होंने कहा कि हियरिंग होने में कई बार बहुत समय लगता है, लेकिन इस केस में सुप्रीम कोर्ट बहुत जल्दी काम कर रही है और एक ही दिन में सभी पक्षों को सुन लिया गया। उसके बाद एक रिटर्न में नोट कहा था सबमिट करने के लिए, आज सारी पार्टी रिटर्न में नोट सबमिट करेगी। और सुप्रीम कोर्ट को थोड़ा समय चाहिए होता है, पुराने केसेस को भी वो स्टडी करते हैं, रेफर करते हैं और इतनी सारी पार्टी इन्वॉल्व है, सबके नोट को पढ़ा जाता है, समय लगता है, आज शाम तक भी आ सकता है। लेकिन उन्होंने कहा उसके चांसेस मुझे बहुत कम लगते हैं, कल मंडे ट्यूसडे कभी भी आ सकता है, लेकिन आज आने के चांसेस जो है कम है, पर आज भी आ सकता है क्योंकि जिस स्पीड से काम कर रही है सुप्रीम कोर्ट, उन्होंने ये भी बोला कि जज जो है डीप स्टडी करेगा, बहुत सारे पुराने केसेस को भी रेफर करते हैं, पढ़ा जाता है और यूजुअली हियरिंग के लिए भी बहुत टाइम लगता है, लेकिन इस केस में हियरिंग जो है एक ही दिन में खत्म की गई और कोर्ट इस केस को लेकर बहुत फास्ट जा रही है। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि कोर्ट के फैसले रिटर्न में आएगा क्योंकि सारे लॉ एंड ऑर्डर और प्रोसीजर के साथ ही उन्हें लिखना पड़ेगा पूरा का पूरा जजमेंट। ये रिटर्न जजमेंट पूरा वर्ल्ड पड़ेगा क्योंकि सभी की नज़र जो है इसके जजमेंट पर है, तो ये जो है लिखने में भी समय जाता है, आप सारे पक्षों को सुने और उसके बाद लिखे, तो एक बहुत लंबा प्रोसीजर होता है जिसको थोड़ा समय लगता है। इस पूरे जजमेंट पर पूरे वर्ल्ड की नज़र है, तो जाहिर सी बात है कि वो जो है जो लिखेंगे वो भी सब पढ़ने वाले हैं, इसलिए उसको बहुत ढंग से तैयार करके लिखा जाएगा। कोर्ट को रिटर्न नोट्स पढ़ने के लिए टाइम चाहिए होता है और इतना ही नहीं उन्होंने ये भी कहा, लेकिन उम्मीद है कि जिस स्पीड से कोर्ट आगे जा रहा है उसको देखते हुए वो कह रहे हैं कि मुझे लगता है कि बहुत ही जल्दी जो है इसमें जजमेंट आ जाएगा और जजमेंट जो है वो रिटर्न में आएगा। तो जो फैंस परेशान हो रहे हैं उनके लिए उन्होंने बताया कि आज सभी ने अपने रिप्लाई को फाइल किया है, रिटर्न नोट दिए हैं और उसको पढ़ने में, डीप स्टडी करने में भी थोड़ा समय जज को चाहिए होता है, जस्टिस रॉय जो कि इस केस को देख रहे हैं पूरा समय चाहिए होता है और उसके बाद जो है एक रिटर्न जजमेंट पास होता है। तो आज शाम को, हालांकि उन्होंने भी ये कहा कि आज शाम की उम्मीद कम लग रही है, लेकिन कल सोमवार या मंगलवार तक इस केस में जजमेंट आने की उम्मीद है।